और बेटा तुम यहाँ? हाँ, मुझे अर्पिता भाभी पर पूरा भरोसा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। आई एम 100% श्योर कि किसी ने हरकत जानबूझकर की शादी को रुकवाने के लिए। मुझे बहुत दुख होगा अगर ये रिश्ता नहीं हुआ आंटी। मुझे खुशी हुई है देखकर कि तुम दूसरों के दुख में दुखी होती हो। जिस घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार मिले हों, उस घर में अगर मेरी बेटी बहू बनकर जाए तो उसका सौभाग्य होगा। एक मेरी दोस्त है जिससे मेरा अचानक रिश्ता जुड़ा, और दूसरी वो है जिससे मेरा अनजाना रिश्ता है। मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। कैसे भी करके मालूम करना होगा कि वो लेटर आखिर किसने लिखा और उस साड़ी के बैग में डाला। बेटा तुम जाओ यहां से। मैं जानती हूं तुम दिलासा देने आई हो, बहुत ही नेक विचार है तुम्हारे, लेकिन इस वक्त इस बात का क्या मतलब निकाला जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अगर ये रिश्ता केवल इस वजह से टूट गया तो मेरा विश्वास शादी और भगवान दोनों से उठ जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया है? अर्पिता भाभी के गलत होने का कोई सबूत नहीं है, तो फिर उन्हें गलत क्यों माना जा रहा है? आप भी तो कहते हैं ना कि विश्वास से रिश्ते बनते हैं, तो क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए कि अर्पिता भाभी निर्दोष। दिल तो करता है कि तेरी बात मान लूं, लेकिन अब ये मामला दिल की सीमा से निकलकर दिमाग की हद में पहुंच गया। बहुत नाजुक मोड़ पर है रिश्ता, क्योंकि बात अब दो घरों के बीच की नहीं, समाज की, इज्जत की है, उनके घर की भी और हमारे घर की भी। इसलिए बेटा जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी इस लेटर वाले इंसिडेंट से खुश नहीं है। भैया डिप्रेस्ड है, माँ भी, घर में सबने अर्पिता को मन से अपना लिया है, मैंने तो उन्हें भाभी भी समझ लिया है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज आप कुछ करो ना। आपके मंदिर की बहुत मान्यता है, कहते हैं कि आपसे जो भी मांगो आप पूरा करते हो। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना कहने आई हूं कि प्लीज अर्पिता भाभी को अपनी इनोसेंस प्रूफ करने में हेल्प कर दो। अर्पिता भाभी ने कहा कि अब सब किस्मत के हाथ में है, पर किस्मत तो आप लिखते हो ना। प्लीज प्लीज भगवान जी हेल्प कर दो। अब ये सब क्या है यार? देख, मिसेज अग्रवाल कह रही थी कि कार्ड छपने दे दिए हैं, लेकिन डेट तय होना बाकी है। ये जयपुर की नंबर वन कार्ड प्रिंटिंग शॉप है, इतने बड़े लोग हैं, यही कार्ड छापने दिया होगा, और फिर कार्ड पे उनके नाम भी तो लिखे होंगे। एक बार नाम मिल जाए ना तो मैं एड्रेस डायरेक्टली से निकाल दूंगा। ये देख, स्मार्टफोन किस दिन काम आएगा। अच्छा, तुझे क्या लगता है, तू मांगेगा और वो तुझे वेडिंग कार्ड दिखा देंगे? मजाक है क्या? देखता जा। नमस्कार, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये मेरा दोस्त है, इसकी शादी होने वाली है, तो हम चाहते कि वेडिंग कार्ड थोड़ा एक्सक्लूसिव हो, जो आजकल लेटेस्ट डिजाइन हो। आपके पास कुछ सैंपल्स हैं जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं? हाँ, क्या हम देख सकते हैं उन्हें? जी बिल्कुल, आइए। एड्रेस मिला? मिल गया। कहाँ? 42 महावीर नगर। क्या, 42 महावीर नगर? हाँ, क्यों, क्या हो गया? रोक रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक रोक। हम उस घर नहीं जाएंगे। 42 महावीर नगर, ये वही जगह है जहां हम वो जनगणना के लिए गए थे ना। देख, तुझे दोस्ती रखनी है तो तू रख, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। वो हीमन मेरी टांगे तोड़ देगा यार। बिना जाए बात बनेगी नहीं, और अगर गए तो बात बिगड़ भी सकती है। कुछ और करना पड़ेगा। और प्यार